हाँ वो क्या है कि वो कहानी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एक अपशगुन है उसके लाइफ में आया हुआ, उसके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा वो रहा, तो उसकी अम्मा उसको बताती है कि यमराज का प्रकोप है तेरे ऊपर, तो तुझे किसी पराई औरत के साथ रहना पड़ेगा 5 दिन, जिससे ग्रह चाल टल जाएगी। जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कुतिया के साथ शादी या फिर पीपल के साथ शादी होती है, इस तरह से। तो वो प्रकोप चल रहा है, तो उसमें जो है ये सारा एक कॉमिक वो हो रहा है कि बार बार उसको कहीं ना कहीं यमराज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी उसको लगता है यमराज है, लेकिन वो भाभी जी होती हैं, लेकिन भाभी जी उसके साथ थोड़ा मस्ती ले रही हैं। ख्वाहिश तो पूरी होगी अभी, क्योंकि ये भाभी जी जो है अचानक उसके बेडरूम में जाकर सोएंगी अभी, तो भाभी जी हमारे बेडरूम में, मतलब ये तो तिवारी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन उसके बाद अम्मा आके पूरा रायता जो है फैला देगी दोबारा से। हाँ वो पराई औरत को, औरत किसको लाते हैं आप, वो किसी साक्षात औरत को तो ला नहीं सकते थे, तो ये हल निकाला पंडित जी ने कि अगर कोई आदमी भी औरत बनकर आ जाएगा तो ग्रह चाल टल सकती है। मतलब छक्के नहीं बने, वो अपनी तरफ से औरत बने हुए हैं, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि वो चाचा आ गए, चाचा फिर उसे औरत समझ के घसीट कर ले गए। ये काफी अच्छा मौका है कि फिलहाल अच्छा मौका है क्योंकि भाभी जी हमारे बेडरूम में आएंगी। थैंक यू। सॉरी भाभी जी, क्या है कि हमें लगा कहीं कहीं यमराज ना हो। अरे यमराज को आना होगा तो क्या दरवाजे पे दस्तक देंगे? आप 100 तालों के पीछे भी छुप कर बैठेंगे तो वहां प्रकट होकर आपके प्राण लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, लेकिन क्या करें भाभी जी, ये जो चाचा जी है ना, इन्होंने हमारे मरने का पूरा इंतजाम कर लिया है। देखिए ना, आया और भगवती जी को ले गए, लेकिन हमें बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम आपको हमारा कितना ख्याल है। अरे नहीं नहीं दीवानी जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो हुआ क्या कि चाचा जी जो घर पे आ गए हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धोकर कि अपने घर जाओ अपने घर जाओ, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। सर वो ये बात ठीक है, ले लीजिए, मार दीजिए, क्लोज में कनेक्ट कर।